पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाने वाला जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। आम से लेकर खास तक हर कोई आज कृष्ण भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। ऐसे में करोड़ों कृष्ण भक्तों में से एक नाम शामिल हो गया है, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का। दरअसल जन्माष्टमी के पावन अवसर पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बांसुरी बजाते हुए पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में महेंद्र सिंह धोनी कृष्ण भक्ति के रंग में डूबे हुए, हाथों में बांसुरी थामे हुए दिखाई दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पर ये वीडियो एमएस धोनी के फैन पेज ने शेयर किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस 7 सेकंड के वीडियो में महेंद्र सिंह धोनी एक मंजे हुए कलाकार की तरह बंसी थामे नजर आ रहे हैं। धोनी का ये अनोखा अंदाज उनके लाखों फैंस को खूब भा रहा है। बांसुरी बजाते वक्त धोनी ने आंखों पर काला चश्मा पहना हुआ है। वीडियो में धोनी के साथ टीम इंडिया के बल्लेबाज रहे अंबाती रायडू भी नजर आ रहे हैं। धोनी ने टीम इंडिया का ब्लू टी शर्ट भी पहना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी बीते एक वर्ष से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। धोनी ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच पिछले वर्ष वर्ल्ड कप सेमीफाइनल न्यूजीलैंड में खेला था। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि धोनी इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में टीम में वापसी कर सकते हैं, लेकिन कोरोना के चलते वर्ल्ड कप को रद्द करना पड़ा और धोनी की टीम इंडिया में वापसी भी रुक गई। महेंद्र सिंह धोनी के लाखों फैंस अपने चहेते क्रिकेटर की मैदान पर धमाकेदार वापसी का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए खुशखबरी है कि उनका चहेता क्रिकेटर अगले महीने यानी कि सितंबर से दुबई में शुरू हो रहे IPL 2020 में CSK की तरफ से मैदान पर वापसी करता दिखेगा। जब धोनी अगले महीने CSK की तरफ से मैदान पर पुराने अंदाज में वापसी करेंगे तो पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ उन पर होंगी। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।